बिग बॉस एक ऐसा विवादित शो है जिसमें हर पल रिश्तों की परीक्षा ली जाती है। कभी बाहर की दोस्ती इस घर में आकर टूट जाती है तो वहीं कभी घर में ही कंटेस्टेंट अपना प्यार ढूंढ लेते हैं। हालांकि इन सबके बीच शो में काफी लड़ाई और झगड़ा भी देखने को मिलता है। कंटेस्टेंट एक दूसरे पर जहां शब्दों से कीचड़ उछालने से बाज नहीं आते तो वहीं कुछ तो एक दूसरे को कट्टर दुश्मन भी बना जाते हैं। इस सीजन में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जहां मन्नारा चोपड़ा का खानजादी से लेकर अंकिता लोखंडे और सोनिया जैसी कई कंटेस्टेंट के साथ खूब झगड़े हुए और पूरे सीजन उनसे तानातानी रही। लेकिन हाल ही में शो के खत्म होते ही मन्नारा चोपड़ा के सुर बदलते हुए नजर आए हैं और उन्होंने अपनी सबसे बड़ी दुश्मन की जमकर तारीफ की है। मन्नारा चोपड़ा को बिग बॉस 17 में अपने रिश्तों से पजेसिवनेस को लेकर काफी टोका गया। वीकेंड के वार में कई बार उन्हें ये तक कहा गया कि जब कोई दोस्त उनके हिसाब से नहीं चलता तो वो उसे रिश्ते को तोड़ देती हैं। इस पूरे सीजन में मन्नारा चोपड़ा की अगर शुरू से लेकर एंड तक किसी से दुश्मनी चली तो वो थी पवित्र रिश्ता एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे। मन्नारा चोपड़ा अंकिता लोखंडे की बिग बॉस के घर में कभी नहीं बनी। हालांकि शो खत्म होने के बाद मन्नारा चोपड़ा ने अंकिता लोखंडे को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसे फैंस भी हैरान हो गए हैं। बिग बॉस के सेकंड रनर अप रही मन्नारा चोपड़ा का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मन्नारा चोपड़ा अंकिता लोखंडे की गेम की तारीफ करते हुए नजर आई है। इस वीडियो में मीडिया द्वारा सवाल किए जाने पर मन्नारा अंकिता को लेकर कहती है कि अंकिता जी ने बहुत अच्छा गेम खेला और वो बिग बॉस की बहुत बड़ी फैन भी रही हैं। उन्हें पता था कि बिग बॉस के गेम में क्या करना है और वो कपल के तौर पर आई थी विकी भाई के साथ। मैं तो अकेले आई थी, मैंने उन्हें बीट किया, इसके लिए मैं ग्रेटेड हूँ, लेकिन अंकिता जी को मेरा ढेर सारा प्यार। आपको बता दें कि अंकिता लोखंडे ने मन्नारा चोपड़ा पर उन्हें चिढ़ाने का इल्जाम लगाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने आयशा खान और ईशा मालविया संग मिलकर उनकी मजाक भी उड़ाई थी। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।